न्यूज बायोस्कोप में इस वक्त हमारे साथ भानु प्रताप शाही जी हैं। भानु प्रताप जी, आरोप सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि बाहर से आंदोलनकारी अभ्यर्थी लाए गए हैं, और इरफान जी कह रहे हैं कि भानु जी और नवीन जायसवाल जी लेके आए हैं सबको। देखिए, इरफान जी के सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बाहरी कहा और मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने भाड़े का कहा, इस पर हम लोगों को आपत्ति है। कल खतियान लेकर के छात्र जो है आंदोलन कर रहे थे कि मैं यहाँ का झारखंड का 1932 का खतियान धारी हूँ और ये मैं आंदोलन कर रहा हूँ, मैं अपने हक हुकूक का मांग कर रहा हूँ, न्याय का मांग कर रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री अब प्रश्न जो खड़ा कर रहे हैं वो आदिवासी मूलवासी पर स्वतः खड़ा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, जब मैक्सिमम लोग यहाँ के बैठे, आप पास हुए हैं उनको देख रहे हैं, फेल हुए हैं उनके बारे में भी सोचिए, कौन लोग फेल हुए हैं? वो झारखंड के आदिवासी मूलवासी दलित पिछड़ा एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 के लोग फेल हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों का हक आपने मारने का काम किया है। आज दो लोग भी अगर बाहर के आ रहे हैं और ये गड़बड़ियां हुई हैं तो वो दो लोगों का हक भी मारा जा रहा है, तो झारखंड का हक मारा जा रहा है और आपके अमिताभ चौधरी के द्वारा वो हक मरवाया जा रहा है। सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, अब आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? हम लोग छात्र के साथ खड़े हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। रूपा तिर्की में भी ये नहीं चाहते थे कि सीबीआई जांच हो, आज रूपा तिर्की का सीबीआई जांच हो रहा है। इनके चाहने से ही ये इनके उंगली पर ये झारखंड नहीं है, और झारखंड के मतलब ये तानाशाह नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलता है। हेमंत सोरेन जी को ये घमंड हो गया है, तो आने वाला 5-6 महीना में ये घमंड भी टूटेगा, और जब ये चुनाव में जाएंगे तो ये जेपीएससी इनकी राजनीतिक संन्यास के लिए, राजनीतिक कब्र के लिए अंतिम किल साबित होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इरफान जी अभी अभी कहे कि भानु जी राजनीतिक मर्यादा भूल गए, मुझे आइटम गर्ल का, और अगर वो ऐसा उस तरह का चरित्र नहीं रखेंगे तो आगे से हम जरूर परहेज करेंगे उनको कोई बात बोलने में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भानु प्रताप शाही, जिनका कहना है कि जेपीएससी को लेकर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और सीबीआई जांच की भी मांग की जाएगी। कैमरामैन विकास के साथ उदय शंकर, न्यूज बायोस्कोप रांची।